नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रूट वर्ड्स को देख रहे थे और हम लोग अभी जो स्टार्टिंग में रूट वर्ड स्टार्ट किया था वह था ए या एन, जिसका मीनिंग होता है विदाउट या नॉट। और यह हम लोगों का डे थ्री है रूट वर्ड पे। और रूट वर्ड यहाँ पे जो मैं वर्ड ले रहा हूँ यह मनीषा बंसल मैम के बुक से है सारे वर्ड, और इस बुक को आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज आगे का रूट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ रूट वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, और आज का डे थ्री है और डेली आपको 7 से 8 बजे के बीच में आपको नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वर्ड 26 से स्टार्ट करते हैं। डे टू तक हम लोग 25 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके थे। आज का पहला वर्ड है एनोस्मिया। एन मतलब हो गया विदाउट, ऑस मतलब हो गया स्मेल। तो लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की शक्ति का नहीं होना, उसे क्या बोलेंगे, एनोस्मिया। अब इसको आप प्रीवियस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, जैसे आई ए सफिक्स था तो वो लॉस ऑफ समथिंग से रिलेटेड था। कई सारे वर्ड में आपने देखा था, जैसे एक एनेमिया था तो लॉस ऑफ ब्लड था, तो यहाँ पे एन ऑस्मिया, तो वहाँ पे ईमिया ब्लड के लिए था, यहाँ पे ऑस्म स्मेल के लिए था, स्मेल के लिए है, तो यह हो गया लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। क्योंकि स्मेल हम लोग क्या करते हैं, किसी सेंस ऑर्गेन से ही हमें मालूम चलता है कि स्मेल क्या है। तो सूंघने की शक्ति नहीं होना क्या कहलाता है, एनोस्मिया। और चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एपेथी। ए विदाउट, पेथी फीलिंग्स, यानी विदाउट फीलिंग्स, तो वह क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स और इमोशन। जहाँ पे फीलिंग्स या इमोशन ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासी, या इंग्लिश में एपेथी। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंस और इनसेंसिटिविटी। तो आई होप इस वर्ड को भी आप समझ गए हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पे सिनोनिम्स मिले जिस वर्ड का दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, इसको रिलेट कर लीजिए इसके साथ, क्योंकि जब भी आपको सिनोनिम्स आएगा तो आपको इन सब वर्ड से ही रिलेटेड आपको ऑप्शन रहेगा। लेकिन जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा तो वहाँ तो ईजिली आप इस वर्ड तक पहुँच पाएंगे, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको इन वर्ड को भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे के वर्ड को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। एफेसिया, एफेसिया मतलब ए विदाउट और फेसिया मतलब स्पीच। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको भी अब आप इजीली रिलेट कर पाएंगे, जैसे बोल नहीं पाना उसको क्या बोलेंगे, एफेसिया। यहाँ पे ऑस्म स्मेल था तो लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल आ गया, तो यहाँ पे लॉस, यहाँ पे जो लॉस होगा या इनएबिलिटी होगा किसका होगा, स्पीच का, स्पीच मतलब बोलने का, तो वो बोल नहीं पाना उसको क्या बोलेंगे, एफेसिया। और इसी को लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हैं, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस, इसको कर लीजिए प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज के कारण ना समझ पाना और स्पीच को प्रोड्यूस ना कर पाना, यानी स्पीच को प्रोड्यूस ना कर पाना यानी बोल ना पाना। तो स्पीच को बोल ना पाना या स्पीच को समझ ना पाना, तो उसको क्या बोलेंगे, एफेसिया। तो आई होप इस वर्ड को भी आप अब रिलेट कर लेंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे रूट वर्ड की सहायता से। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एफोनिया। ये अगेन विदाउट का सेंस देगा और फोन किसका सेंस देगा, साउंड का। तो एफोनिया लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, किसी कारणवश किसी इंजरी के वजह से वॉइस को, आवाज़ को खो देना क्या कहलाएगा, एफोनिया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एफोटिक। ए अगेन विदाउट, फोट मतलब लाइट, फोट और फोटोन दोनों मतलब लाइट ही होता है, तो यहाँ पे लाइट,
तो यहाँ पे क्या है, ए मतलब विदाउट फोटो या फोटोन या फोट, यह किससे रिलेटेड है, इसका मीनिंग क्या होता है, लाइट। तो विदाउट लाइट तो इसको क्या बोलेंगे, ए फोटिक, और इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, डार्क एंड। विदाउट लाइट यानी जहाँ लाइट नहीं है तो वह क्या है, अंधेरा है, डार्क एंड है, और इसी को बोलते, इसका एक और सैनोनिम्स हो गया डिंगी। तो आई होप इस वर्ड को भी अब आप रिलेट कर पाएंगे लंबे समय तक रूट वर्ड की सहायता से। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एपनिया। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज है। एपनिया, ए मतलब विद नॉट या विदाउट, निया मतलब यहाँ पे ब्रीदिंग हो जाएगा, यहाँ पे पी साइलेंट है, अगर इसमें पढ़े तो निया हो गया। तो एपनिया इसका मीनिंग निकलेगा जो, वह होगा अ कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप ब्रीदिंग टेम्पोररली। तो ऐसा कंडीशन जब कोई ब्रीदिंग को टेम्पोररली यानी अस्थायी रूप से उसको ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एपनिया। आई होप, या इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अश्वसन। तो आई होप इस वर्ड को भी अब आप रिलेट कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा, ए विदाउट या नॉट का सेंस देगा, यहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा, अगर अलग से पढ़े तो निया हो गया। तो एपनिया यहाँ पे यह हो गया, विदाउट या नॉट ब्रीदिंग यानी अ कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्पोरेली। आई होप इस वर्ड को आप अब रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ए सोशल। ए मतलब नॉट, और सोशल तो जनरल सामाजिक बोलते हैं, तो जो सामाजिक नहीं है तो वह क्या है, असामाजिक, इसी को बोलेंगे नॉट सोशल। और सेल्फिश यानी सोशल नहीं है, स्वार्थी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए सोशल। इसका सैनानिम्स हो जाएगा एंटी सोशल, यानी एंटी सोशल भी, एंटी यहाँ पे भी अपोजिट मीनिंग देता है, तो सोशल का अपोजिट करेंगे एंटी सोशल हो जाएगा। और ए सोशल का एंटोनिम हो जाएगा ग्रीगारियस। आई होप इन वर्ड को भी आप समझ गए होंगे, जहाँ पे आपको सैनोनिम्स और एंटोनिम्स दे रखा है तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा तो जैसे आपको यहाँ पे इसका सेंटेंस बना के मिलेगा, जैसे विदाउट सेमेट्री है तो ए सेमेट्री, आप इजीली विदाउट के लिए ए सोचेंगे और सेमेट्री ए सेमेट्री जैसे ऑप्शन में मिलेगा तो आप क्लिक कर जाएगा आपका माइंड कि ये होगा आंसर। लेकिन जैसे अलग वर्ड आ जाएगा, जैसे ए सोशल का सैनोनिम्स एंटी सोशल भी क्लिक कर जाएगा, लेकिन इसका एंटोनिम को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ग्रीगारियस। लेकिन जब एक दो बार आप रिविजन करेंगे तो इजीली आप इस वर्ड को रिलेट कर पाएंगे कि ए सोशल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्रीगारियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए सेमेट्री। ये अगेन यहाँ पे विदाउट का सेंस देगा, और सेमेट्री तो इसका मीनिंग हो गया विदाउट सेमेट्री या नॉट सेमेट्री, तो यह हो गया विदाउट सेमेट्री यानी असम्मिति, यानी एक समान नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, असम्मिति। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ए सिंक्रोनस। ए विदाउट या नॉट का सेंस देगा, सिंक यानी सेम और क्रोन मतलब टाइम, तो अगर सिंक्रोनस होता तो सेम टाइम आता, और ए सिंक्रोनस है तो नॉट सेम टाइम, तो इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब एक समय पर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, ए सिंक्रोनस, इसको बोलेंगे असमकालिक हिंदी में। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, अब देखिए एंटोनिम इजीली आप रिलेट कर पाएंगे, सिंक्रोनस सेम टाइम पे होने को बोलेंगे, और एल आते ही नॉट का मीनिंग देगा तो ए सिंक्रोनस, यह इसका सिंक्रोनस का ऑपोजिट हो जाएगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सिंक्रोनस का ऑपोजिट सिंक्रोनस है। आई होप इस वर्ड को भी आप समझ गए हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और इससे ए या एन से रिलेटेड दो चार और रूट वर्ड्स बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर ए सी या ए सी आर, इसका मीनिंग होता है बीटा,
बिटर या सार, तो इससे रिलेटेड हम लोग वर्ड्स को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।